नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ग्रामीण सड़क पर बालू लदे ओवरलोड वाहनों के चलने से ग्रामीण परेशान। ठाकुरगंज प्रखंड के बेसरवट्टी पंचायत की सड़कों पर ओवरलोड गिट्टी बालू लदे वाहनों के चलने से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। सरकार को हो रहा है करोड़ों राजस्व का नुकसान। खबर बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां पर बालू माफिया के द्वारा सरकार को करोड़ों का राजस्व का चूना लगाकर धड़ल्ले से ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ रही है, जिसकी खबर जिला के तमाम छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को है, मगर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। उक्त ओवरलोड वाहनों के चलने से ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीणों ने कई बार गाड़ियों को रोककर पुलिस के हवाले भी की, मगर पुलिस के भी कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी लेट से पहुंचती है और कार्यवाही भी करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके छोड़ देती है और ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोड वाहन बंद नहीं होंगे तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। हम लोग का जो है पूरा समस्या है ये रास्ता के लेकर के, रास्ता और पुल जो है ओवरलोड गाड़ी जो चल रही है यहाँ पे उसी को लेकर के बहुत समस्या है। तो सरकार से मांग है कि ये रास्ता को और पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बस वही कहना चाहेंगे। ओवरलोड वाहन कहाँ से आती है, क्या लेकर जी? ये जो है ओवरलोड गीता इंटरप्राइजेज जो है और इधर से जो है जीआर कंपनी, उसी को लेकर के ओवरलोड आती है। बिल्कुल। तो क्या होता है, परेशानी क्या होती है? परेशानी देखिए, जितना मतलब इसमें तो रोड का जो है उतना तो क्षमता है नहीं जी। ओवरलोड जो आती है तो पूरा सड़क जो है देखिए पूरा खराब हो गया है, यहाँ से वहाँ कुकुरबागे से लेकर के पिपरी थान तक पुलिया भी झर रहा है। हाँ, पुल पुलिया भी झर रहा है। विशेष स्थानीय थाना पुलिस को दिए थे जो दे दिए हैं। क्या अब तक कार्रवाई हुई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग करते हैं वही कि थोड़ा जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा की जाए, बस वही मांग करते हैं जी। उमालाल कुमार सिंह। हम लोग को परेशानी बहुत है, अभी जब तक ये खदान नहीं बनता हम लोग को बहुत अच्छा था रास्ता। जब से खदान चालू हो गया हम लोग को अब यहाँ से बाजार करने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। पहले हम लोग का चौराहे पर चौक पर हटिया बाजार जाने के लिए 4-5 गाड़ी लगता था, अभी एक भी गाड़ी हटिया का दिन नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। खास करके ये जो खदान चालू है इसलिए बहुत दिक्कत है। यहाँ पर बच्चे लोग के लिए स्कूल जाता है पैदल, और अभी साइकिल से भी जाना मुश्किल हो गया हटिया। पहले गाड़ी चल रहा था जबकि हम लोग को सवारी मिलता था, अभी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को, हम चाहेंगे ऊपर तक ये बात ये सरकार इस पर ध्यान दे, हमारे गांव को और रास्ता को सुरक्षित रखे ताकि हम लोग पब्लिक को जाने आने के लिए दिक्कत ना हो। अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग ऊपर बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कानू मुर्मू, बिहार किशनगंज से अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।